with my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फाइनली आज मैं आपके लिए सैलरियो के हिडन फीचर्स पर वीडियो लेकर आया हूँ। सो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं मेरी सैलरियो ZXI के हिडन फीचर आपको बताऊँ, बिकॉज आपको पता होनी चाहिए अगर आप सैलरियो लेने का प्लान कर रहे हो या आपके पास सैलरियो है। और एक और चीज़ दोस्तों, ऐसा रहता है कि जो सैलरियो ZXI ऑप्शनल में कुछ ऐसे फीचर्स है हिडन जो ZXI में नहीं है, जो ZXI में है वो VXI में नहीं है। तो आज हम सिर्फ सैलरियो ZXI के हिडन फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हिडन फीचर से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप में से बहुत लोगों को पता होगा, वो है चाइल्ड सेफ्टी लॉक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक होता है। अगर आप इसको यहाँ पर ऐसा कर देंगे एंड बंद करेंगे तो डोर जो है, आप मतलब अंदर अगर आपके पीछे बच्चे बैठे हैं और कुछ रिस्क रहती है कि वो खोल ले, तो डोर आपका बाहर से खुलेगा। पर वही मैं अगर आपको अंदर बता दूं, तो अब अगर हम अंदर बैठ जाते हैं, यहाँ से डोर को बंद कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये डोर अभी ओपन है या लॉक है। फिर भी ये दोनों करके देखते हैं, देखो ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बाहर से ओपन होगा। देख सकते हैं आप, बाहर से ओपन हुआ। और अगर आपको ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक हटाना है तो आप इजीली यहाँ से हटा भी सकते हैं। सो ये बहुत ही काम का फीचर है। सब नेक्स्ट हिडन फीचर की बात करते हैं। सो गाइज, अब अपने अधिकतर फीचर्स सब इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से रिलेटेड रहने वाले हैं। सो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आप जब भी आप गाड़ी कहीं जाते हो, अधिकतर अगर आप कहीं फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप एक बार अनलॉक करते हो तो सिर्फ ये खुलता है। एंड ये आप देख सकते हो, ये सारे जो डोर्स है, तो ये मतलब सेफ्टी पर्पज़ को लेकर बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज आप अधिकतर अगर अकेले ड्राइव करते हो तो आपकी बैग्स वगैरह रखी रहती है, एंड अगर आप एक ही बार ओपन कर रहे हो तो सिर्फ ड्राइविंग वाला खुल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज आप अगर चारों एक साथ खुल जाते हैं तो फिर रिस्क रहती है कि आपका कोई वहाँ से बैग वगैरह ले जाए। सो इसको आप चेंज भी कर सकते हो कि नहीं, अगर मेरे को आप चाहते हो कि चारों एक साथ खुले तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको आपकी की ऑन करनी है। एंड आपको टोटल किलोमीटर्स यहाँ से आप दो बार अगर यहाँ पर टैप करेंगे ट्रिप के बाद, आपको ये टोटल किलोमीटर्स यहाँ पर दिखाता है। देन आपको ये राइट वाला जो ये पैनल है पूरा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। क्लॉक आ गई, अपने को क्लॉक का भी कुछ काम नहीं, अपन राइट रोटेट करेंगे तो डोर आता है, डोर को सिलेक्ट करना है। एंड इसमें D1 सिलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं D1 SL1 आता है एंड D1 SL2। तो अभी अपना D1 SL1 पे है, जिसमें 1 एक बार अनलॉक करेंगे तो सिर्फ ड्राइविंग साइड का खुलेगा और दूसरी बार में दोनों खुलते हैं। तो अगर अपन SL2 सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये सक्सेस हो गया। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, एक बार अनलॉक कर रहे हैं तो सिर्फ ड्राइविंग वाला खुला, एंड दूसरी बार अनलॉक करेंगे तो सारे खुल गए। अब आपको सारे एक में करना है, तो उसके लिए आपको जो अपना D1 है उसमें आपको जो SL2 दिखा रहा है, मतलब A और B के टाइप से खुलेंगे। मतलब पहले A खुलेगा, मतलब अपना ड्राइविंग डोर, एंड दूसरे अगर आप इसी को SL1 कर लेते हैं, देन आप अब रिजल्ट देख सकते हैं। SL1 कर दिया है। अब SL2 पे आपने देखा था पहले ड्राइविंग वाला खुल रहा था, फिर बाकी को पैसेंजर वाला। तो अब मैं सिर्फ एक बार अनलॉक करूंगा और आप देख सकते हैं चारों डोर एक साथ खुल गए। एंड चारों डोर लॉक तो एक साथ ही होते हैं, आप एक बार टैप करेंगे तो चारों एक साथ खुल रहे हैं। तो थर्ड फीचर जो है वो आपने ऑब्जर्व करा होगा, अगर आप मतलब कहीं भी आप कार चला के जा रहे हो तो आप जैसे ही आप सेकेंड गियर डालते हो, आपकी जैसे ही आपकी गाड़ी 15 किलोमीटर की स्पीड क्रॉस करती है, ऐसी आवाज़ आती है। ये चारों डोर लॉक होने की आती है, तो ये सेफ्टी के हिसाब से मैं बहुत ही अच्छा फीचर बोलूँगा। बिकॉज आप ऑटोमेटिक आपका मतलब चारों डोर्स लॉक हो जाते हैं, जो कि आपकी 15 किलोमीटर की स्पीड के बाद होते हैं। मतलब अधिकतर उसमें सेकेंड गियर डाल ही देते हो, सो अब उसको भी आप चेंज कर सकते हो कि आपको ये लॉक या अनलॉक करना है कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसी में आपको प्रेस करके रखना है अगेन। क्लॉक के बाद अपन जो डोर में गए थे, तो D1 वाला तो मैंने आपको ये सेंसर वाला बता दिया था अनलॉक वाला, तो आपको D2 में जाना है। D2 में आप क्लिक करेंगे तो इसमें SL1 एंड SL2 है। तो SL2 में आप देख सकते हैं AB आ रहा है, AB मतलब सारे डोर लॉक हो जाएंगे। और इसी को अगर अपन SL1 कर देते हैं, मतलब डोर लॉक नहीं होंगे। तो ये फीचर था इसका। सो आप चाहे तो अगर आपको बंद करना है तो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें जो कंपनी से आता है। सो नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं। ये वाला हिडन फीचर अपना जो है ये पिछले फीचर से लिंक्ड है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी 15 किलोमीटर की स्पीड के बाद आप कहीं भी जाते हैं तो आपके जो डोर से ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। देन आपको फिर अगला स्टेप वही रहता है कि आप कहीं भी रुकेंगे तो आपको ये अनलॉक करना पड़ता है।
तो अगर आप में से किसी का भी ये फीचर बंद है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करते हैं इसमें सेटिंग। जैसे कि अभी देखो अपन रुक गए हैं और अब की जैसे ही मैं रिमूव करूँगा तो आप देखना ये डोर्स सारे ऑटोमेटिक खुलेंगे। सो मैं अभी ये की रिमूव करता हूँ एंड आप देख सकते हैं चारों डोर्स अनलॉक हो चुके हैं। तो आपको अभी ये कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अपना जो डोर था उसमें D1 वाला मैंने बता दिया है, D2 बता दिया है, अगला आता है D3। तो D3 में आप देख सकते हैं इसमें SL1 है, SL1 एंड SL3 है। तो अभी हम SL1 सिलेक्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अभी लॉक है हमारे और अब की रिमूव करते हैं तो अब देखा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, ये की ऑन है एंड बंद करके मैं निकाल रहा हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो वही आप D3 में जो D3 वाली सेटिंग है उसमें आप SL1 या SL3 देख सकते हैं। तो SL3 सिलेक्ट करना है, तो D3 में आप SL3 सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये डोर ओपन वाला फीचर इनेबल हो जाएगा। लास्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं तो मैं वही फीचर इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब हम मेन फीचर्स ले रहे हैं 5, मतलब ये लास्ट फीचर है। एंड ZXI ऑप्शनल अगर आपके पास है तो आपका एक फीचर और बढ़ जाता है हिडन फीचर, जो कि ये बज़र, आपका जो टिकटुक वाला साउंड बोल सकते हैं वो आप बंद भी कर सकते हैं चालू भी कर सकते हैं, वो एक फीचर है। सो जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसमें ये रहता है कि अगर आप हाईवे पे किसी को भी ओवरटेक कर रहे हो तो आप हल्का सा इंडिकेटर देते हो जो 2-3 सेकंड तक ब्लिंक होता है। तो इसमें अपने पास सैलरियों में ये भी सेटिंग कर सकते हो कि आपको एक बार ब्लिंक करना है कि 3 बार। तो आपको मैं अब वो शो कर देता हूँ। तो आपको इसमें आपको मैं बता देता हूँ, क्लॉक आती है, डोर्स की अपनी जो सारी सेटिंग आती है उसी के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइट की सेटिंग है। तो आप लाइट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे, L2 आएगी, L2 पर क्लिक करना है। तो अभी मैं आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ, सिर्फ मैं आप देख सकते हैं मैं एक बार कर रहा हूँ नीचे और एक ही बार शो हो रहा है ये। पर अगर हम हाईवे पर, जैसा कि मैंने बताया, हम हाईवे पर ओवरटेक कर रहे हैं किसी को तो हमको थोड़ा तो मतलब ऐसा करके छोड़ दे तो 3 बार चलना चाहिए। तो अपने पास ये सेटिंग है। अभी इसमें L2 में S1 सिलेक्टेड है, अब इसी में S2 कर देंगे और अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एक बार करूँगा और 3 बार चलेगा, ये नहीं चल रहा क्योंकि मैंने करा ही नहीं अभी। तो आपको ये इसमें अब L2 में जाना है एंड इसमें आपको SL1 सिलेक्ट करना है। SL2 आप देख सकते हैं AB, मतलब एक ही बार होगा ये। अगर आप इसमें बैक भी जा सकते हैं, आपको इसमें SL1 सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एक बार टैप करूँगा और 3 बार चल रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये फीचर बहुत ही काम का है, बिकॉज आप जब हाईवे पे कहीं कार्स को ओवरटेक कर रहे हैं तो आप बस ये लेफ्ट या राइट आप बस इतना सा कर देंगे तो 3 बार ब्लिंक हो जाएगा। सो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है और मैंने आपको बता ही दिया है, आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। एंड आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपको ये सारी सेटिंग आपको मतलब जैसे कि डिफ़ॉल्ट रखनी जो आपकी मारुति सुजुकी कंपनी करके देती है, तो इसमें आपको ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलती है। तो आप यहीं से डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जो भी आपने सेटिंग मतलब आपने कुछ चेंज भी करा है सेटिंग में तो पहले जैसी ओरिजिनल हो जाएगी। सो ये थे सारे फीचर्स इसके। सो दोस्तों ये सारे फीचर थे सैलरियो ZXI के एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस देखो यार, ये फीचर आप काम आते हो या नहीं ये सब अलग बात हो गई, बट आपके पास सैलरी हो तो एटलीस्ट आपको ये सारे फीचर्स पता होनी चाहिए। यही आज की वीडियो का मोटिव था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब के पास ही आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कर लीजिए तो मैं कौन सी भी वीडियो डालूंगा तो उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।